होली के दिन यूपी की जनपद बुलंदशहर की सड़क उस वक्त खून से लाल हो गई जब कार और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। हादसा होता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक मेरठ में हलवाई की दुकान पर काम करते थे और त्योहार मनाने घर लौट रहे थे। परिजनों का कहना है कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर कार और बस की जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में कार में बैठे शिकारपुर निवासी गजेंद्र सिंह और दौलतपुर निवासी विशाल और दानवीर की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसा होता देख चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया जबकि मृतकों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। मेरा नाम है कोमल सिंह ना। ये सारे लोग मेरठ से आ रहे थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, अपना मेरठ में हलवाई दुकान में काम करते थे। ये गाड़ी शिकारपुर की है, शिकारपुर से गाड़ी मंगाई और ये लोग बोले भाई हमें ले जाओ, ये रिश्तेदार आदमी थे। अब वहाँ से चलते चलते खुदादी पे आ गए, खुदादी पे आ गए प्राइवेट रोड गाड़ी वाले ने, बस वाले ने फेल दिए, जबकि बहुत दर्दनाक 3 मौत हुई हैं इसमें सर और काफ़ी चोट भी आई है सर। 5 लोग घायल हैं। क्या लोग खत्म हुए इसमें? 3 खत्म हो गए सर। जो ख़त्म होने वाले हैं जी, गजेंद्र सिंह, दानवीर और विशाल। ये गजेंद्र सिंह शिकारपुर के रहने वाले हैं, ये रिश्तेदार हमारे यहाँ के बहन हुई हैं और दानवीर सिंह दौलतपुर के गांव तनका जामिन का है मगर रहे फिलहाल ये दौलतपुर रहे हैं और एक विशाल है ये दौलतपुर निवासी है। फिलहाल पुलिस ने बस को हिरासत में ले लिया है जबकि पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। वहीं त्योहार के दिन हादसे की खबर से मृतकों के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।